हेलो भैया, एसी के वेंट चालू नहीं है बिल्कुल भी। गाड़ी कहाँ से कहाँ आ गई? एसी के वेंट चालू नहीं है बिल्कुल भी। चालू है, आप पूछो आप कैसे नहीं है सब चालू। आ जाओ चेक कर लो। चेक अभी गाड़ी को आध घंटे भी नहीं हुआ, 20 मिनट हुए चालू हुए। अरे चालू हुए नहीं, एसी के वेंट चालू नहीं बिल्कुल बंद है, ये बोल रहा हूँ मैं आपसे केवल। और चार्जिंग वैन चालू नहीं है आपके, चार्जिंग वैन चालू करवाओ। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अभी ग्वालियर हूँ, ग्वालियर से ट्रैवल करने वाला हूँ उत्तराखंड के लिए। तो जस्ट मैं और मेरा दोस्त आदेश, हम लोग निकल गए। ये ग्वालियर कुछ व्यू है जो लास्ट टाइम मैं दिखा रहा हूँ आपको नाइट में 7 बजे के आसपास में। और यहाँ से हम लोग दिव्यांशु ट्रैवल की बस बुक करके सीधा का सीधा आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये सामने बैठा हुआ है आदेश और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखते हैं गाइस हमारा सफ़र कहाँ तक रहता है चालू, कहाँ तक हम सफ़र कर पाते हैं। और हम जस्ट आ चुके हैं अभी ग्वालियर में दिव्यांशु ट्रैवल पर, और यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। और सीधा का सीधा हम सामने आ चुके हैं हमारी ये बस, जो कि यहाँ सामने आएगी, अभी जस्ट आई नहीं है बट आ जाएगी। तो यहाँ से हम सीधा ट्रैवल करेंगे। और सबसे पहले हमारी बस ले जाएगी हमको दिल्ली, दिल्ली के बाद लेके जाएगी हमको सीधा का सीधा क्या कहते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हम पहुँचेंगे हरिद्वार, हरिद्वार के बाद पहुँचेंगे हम देहरादून। तो हमारी बस आ चुकी गाइस, तो इसमें हम सफ़र करने के लिए जा रहे हैं, अंदर बैठने के लिए जा रहे हैं नॉर्मली। तो चलो हमने अपना सामान उठा लिया पूरा का पूरा, मैंने अपना बैग टांग लिया, आदेश ने उठा लिया सामान, हम लोग सीधा दिव्यांशु ट्रैवल से निकल गए आगे की ओर और अपनी बस में जाने के लिए तो रेडी हो गए। तो जैसे हम बस के पास में पहुंचते हैं तो यार हमारे ड्राइवर से कुछ सामान हो गया था, तो वो आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये कुछ नहीं, 7-8 नंबर हमारा यही है ना। ओके ब्रो। तो गाइस ये हमारी इस तरीके की बस है पूरी की पूरी, सामने एसी वेंट दिए हुए हैं और इधर पे एक हमें लाइट मिली हुई है। जलाओ यार इस लाइट को, जो काम नहीं करती है, जो काम नहीं करती है भाई। इस तरीके की बस है पूरी की पूरी, देख लो आप सामने से। और कुछ इस तरीके की बस है हमारी जो कि है दिव्यांशु ट्रैवल, हम इससे ट्रैवल करने वाले हैं अभी। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं बस के अंदर और मैं और आदेश अभी दोनों बैठे हुए हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग ग्वालियर टू देहरादून। अभी हम लोग देहरादून पहुंचेंगे सुबह, तो सुबह का माहौल आपको दिखाएंगे कैसा लगता है। और फिलहाल में इस साइड से देख लो यार, बिल्कुल का माहौल इस तरीके का है ग्वालियर का। अभी आगे देखते हैं किस तरीके से जाएंगे हम लोग। ये बस है हमारी कुछ दिव्यांशु ट्रैवल की, आपने पीछे देखा होगा हम लोग को, और इस तरीके की बस है हमारी। तो बस अभी ट्रैवल करते हैं हम लोग आगे के लिए, ट्रैवल करने के बाद देखते हैं कहाँ पे पहुंचते हैं हम लोग अभी। तब तक के लिए गाइज वेट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। तब तक के लिए आगे वेट करें, बाय बाय। तो गाइस कुछ इस तरीके की हमारी एक कैबिन है बस की, जो कि है 7 और 8 नंबर जो हमने बुक की हुई थी। सामने हमारी एसी के बैंड्स दिए हुए हैं और ऊपर हमारी एक लाइट दी हुई है जो कि कभी चल नहीं रही है। अब बस वाले से बात करेंगे जलेगी कब तक भगवान जाने, देखो हम लोग ट्राई कर रहे हैं पर जल नहीं रही है। पर एसी के बैंड्स हमारे चालू हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। सामने की सीट चलाओ आदर्श, आदेश चला दिए। हाँ डन, चलो डन, बाय बाय ग्वालियर। अब पहुंचते हैं हम लोग, सुबह पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचेंगे आदेश? देहरादून पहले पहुंचेंगे, हरिद्वार उसके बाद पहुंचेंगे देहरादून। पहले पहुंचे हम लोग दिल्ली, मैं बताऊँ आप लोगों को, उसके बाद पहुंचेंगे हम हरिद्वार, उसके बाद पहुंचेंगे हम लोग ऋषिकेश, फिर पहुंचेंगे हम लोग देहरादून गाइस। तो हम लोग बस कर चुके हैं बुक और आगे चलते हैं अभी, हम देखते हैं फिर आगे जाने के बाद में। उसके बाद क्या आगे कुछ इस तरीके की बस है यार, सुबह दिखाएंगे आपको मॉर्निंग में पूरी। हेलो भैया, एसी के वेंट चालू नहीं है बिल्कुल भी। गाड़ी कहाँ से कहाँ आ गई? एसी के वेंट चालू नहीं है बिल्कुल भी। चालू है, आप पूछो आप कैसे नहीं है सब चालू। आ जाओ चेक कर लो। चेक अभी गाड़ी को आध घंटे भी नहीं हुआ, 20 मिनट हुए चालू हुए। अरे चालू हुए नहीं, एसी के वेंट चालू नहीं बिल्कुल बंद है, ये बोल रहा हूँ मैं आपसे केवल। और चार्जिंग वेंट चालू नहीं है आपके, चार्जिंग वेंट चालू करवाओ। आप कह रहे चल नहीं रहे, आप वीडियो बना रहे, हमारी मजाक उड़ा रहे आप। ए भैया न्यूज से हूँ मैं, ग्वालियर न्यूज। कोई भी हो, आपको पता है ये गाड़ी किसकी है? सुरेंद्र सिंह तोमर साहब की है। बिल्कुल हो सर, तो मोटर में बना रहे आप, गाड़ी में एसी नहीं है चालू। अरे एसी चालू है, आदेश चालू है एसी इसमें? मजाक कर रहे हैं, हवा तो आ रही है, हवा आ रही है, ठंडी नहीं आ रही, ठंडी नहीं आ रही, ठंडी नहीं आ रही ना। एक बार इधर आना, इधर आना। तो गाइस ये दिव्यांशु ट्रैवल में हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है कुछ चीज का, कुछ चीज लग रही है जैसे कि गाड़ी की बुकिंग वगैरह जिसने की हुई है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो रही हैं। और ये देखो ये सारे के सारे ऑनर हैं हमारे दिव्यांशु ट्रैवल के, और इस तरीके से हमारी दिव्यांशु बस है जो कि हमको लेके जा रही है ग्वालियर टू देहरादून। तो अभी हम निकलने वाले थोड़ी देर में यहाँ से, और मेरे साथ में अभी आदेश है जो कि मेरा भाई है छोटा सा, तो हम लोग जब जाने वाले थोड़ी देर में।
हम लोग के लिए अभी एसी का जो भी वेंट है वो चालू होने वाला है थोड़ी देर के अंदर, और चार्जिंग पॉइंट चालू होने वाला है। अगर वो नहीं चालू होता तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, और क्लियरली बता दिया तो प्लीज यार इस बस को कोई भी बुक ना करे, और चालू हो गया तो बता दूंगा मैं आपको। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई भी इसको चालू ना करे, इसको बुक ना करे। तो गाइस कुछ इस तरीके से टिकट बुक की जाती है, जबकि जो कोई टिकट ऑनलाइन नहीं कर पाता ना रेड बस के अलावा, तो जो टिकट बसती है ना वो इस तरीके से बुक की जाती है। देखो आप सामने देख सकते हो पूरा भंवर मचा रखा है यार सामने, क्योंकि बहुत बेकार लग रहा है मेरे को गाइस। तो इस तरीके की दिव्यांशु बसें हमारी जो भी निकलने वाली थोड़ी देर के अंदर, और ये अभी एसी वेंट्स अगर चालू नहीं करते हैं और हमारे चार्जिंग चालू नहीं करते हैं तो भाई देखते हैं फिर आगे क्या करना है हमको इस तरीके से पूरा का पूरा। और तो गाइस ये हैं बुक करने वाले भैया हमारे, और इनको हैप्पी जर्नी करते हैं भाई। बिल्कुल यार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके ब्रो ओके ब्रो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो गाइस तो यार आगे निकलते हैं हम लोग, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं भाई। सुबह कितने बजे तक पहुंचा दोगे? 8 बजे। पक्का? पक्का। देहरादून? देहरादून। तो गाइस देहरादून पहुंचने वाले हम सुबह 8 बजे, बाकी देखते हैं सुबह। तो मेरे बाकी क्या वो तो क्लियर है। अरे क्या गाड़ी है क्या हमें? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, अरे नहीं। तो गाइस अभी हम लेटे हुए हैं दोनों के दोनों, मैं और आदेश दोनों, अभी हम सफर कर रहे हैं ग्वालियर टू देहरादून। बाकी इस बस के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो कोशिश करते हैं इसके बस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए आपको। तो गाइस अभी हम बस में हैं यार, दिव्यांशु ट्रैवल, अभी भी इसने एसी चालू नहीं किया है, बट हम कोशिश करते हैं एसी चालू हो जाए हमारे साथ में। तो गाइस हमारी बात जो है मान ली गई है, हमारा एसी भी चालू हो चुका है सामने वाला, और हमारा चार्जिंग पॉइंट भी चालू हो गया है। तो गाइस ये बस बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे आपकी बात मानी जाती है दिव्यांशु ट्रैवल, इसके बारे में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो अभी हम पहुँचते हैं सुबह और मिलेंगे आपको सीधा का सीधा देहरादून में, उसके बाद बात करेंगे हम लोग कहाँ जाते हैं वो सारी चीज़ें। तब के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। तो गाइज हमारी बस यहाँ से निकल चुकी है, मुरैना आ चुकी है, अभी हम लोग मुरैना में हैं। तो ये देखो मुरैना का पुल है, ये हमारा बहुत बड़ा पुल है, हमने तो फ्रूटी ली हुई है हमने पीने के लिए दो फ्रूटी, और अभी हम मुरैना में हैं, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये मुरैना अपना हाईवे, ये मतलब पूरा पूरा पुल बना हुआ है बहुत लंबा, 5 किलोमीटर का पुल है भाई। और ये दिव्यांशु ट्रैवल की बस है, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं सामने के लिए, आप देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। तो गाइस ये आदेश चढ़ने वाला है अभी बस के ऊपर, और मैं भी चढ़ने वाला हूँ। तो भाई ये हमारी बस है दिव्यांशु ट्रैवल, बार बार बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको बुक करनी हो तो ग्वालियर टू सीधे के सीधे जाती है देहरादून, और मैं अभी हूँ बस में, तो जैसे भी चढ़ने वाला हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं मुरैना में भाई, तो मुरैना का ये पुल है बहुत बड़ा, ओवरब्रिज कह सकते हैं इस लोग को, ये सारी की सारी लोकेशन है हमारी, और हम लोग अभी निकलने वाले हैं सीधे सीधे देहरादून के लिए, देहरादून हम लोग जाने वाले हैं अभी। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं सामने, बहुत अच्छे ड्राइवर साहब हैं, ओके ब्रो हैप्पी जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ जा रहे सर आप? देहरादून। देहरादून 10 बजे पहुंच जाओगे देहरादून? 10 बजे के बाद में आपकी गाड़ी के रिव्यू करेंगे हम लोग पूरा, जिससे क्या होगा सुबह हम लोग बात करेंगे गाड़ी के बारे में, कितनी सवारी बैठती है, क्या इंजन बैठा बैठा लो। गाइज रात के 1 बजे इसने बस रोकी है आगरा के पास में, कोई सोनू फैमिली ढाबा है वहां पर, ये देखो सामने लिखा हुआ है, वो रही सामने हमारी बस। चलो कुछ खा लेते हैं पहले यहाँ से, उसके बाद यहाँ से ट्रेवल करेंगे। गाइस हमारी बस रेडी हो गई, रात के 1 बजे हमने खाना पीना खाया 1:44 पे, सोनू फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा है यहाँ पे, कोई नॉर्मल खाना खाया हमने, रोटी और सब्जी। अब यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर,
तो गाइज ये सुबह का कुछ माहौल है और ये यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सिबा ढाबा पर। हमको खुद नहीं पता ये कहाँ पर है और कुछ माहौल हमने अच्छा देखा और थोड़ा बहुत वीडियो में शूट किया और उसके बाद में हमने कुछ थोड़ा से फूल वगैरह शूट किए जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और उसके बाद में हम सीधा निकल गए ट्रैवल के लिए आगे के लिए। है गाइज गुड मॉर्निंग, तो सुबह हो चुकी है और मैं अभी आ चुका हूँ पता नहीं कहाँ, मेरे खुद नहीं पता कहाँ हूँ। प्यांसु ट्रैवल पर अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे पीछे मेरा ढाबा है। तो गाइस सुबह हो चुकी है और अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। ये हाईवे है पूरा का पूरा जो कि दिल्ली से उत्तराखंड के लिए जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं पता नहीं कहाँ, ये शिवा पंजाबी टूरिस्ट कोई ढाबा है यहाँ पे। अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ से, अब निकलेंगे पता नहीं कितने बजे तक। ये अपनी बस खड़ी हुई है सामने। तो गाइज हमारी बस ने हमको दे दिया धोखा और सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग आ चुके हैं अभी फिलहाल में हरिद्वार, हमको जाना है देहरादून साइड में, पर अभी हरिद्वार आ चुके हैं। हर की पौड़ी पे हम लोग खड़े हुए हैं अभी।